ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में स्ट्रक्चर पॉलिसी को दी मंजूरी। ग्रेनो प्राधिकरण ने डिपो से बोराकी तक एक्का मेट्रो रूट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी देकर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक हब से जोड़ने की बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। ट्रैक की लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इस पर करीब 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये डीपीआर अब शासन को भेजकर पीएम गति शक्ति से जोड़कर वित्तीय सहायता की मांग की जाएगी। एक्का मेट्रो रूट से बोराकी तक जाने से अलीगढ़ से लेकर बोराकी तक और ग्रेनो क्षेत्र तक के 30 से ज्यादा गांव जुड़ जाएंगे। बोराकी के गांव तक 4 कोच की मेट्रो दौड़ेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेनो डिपो से बोराकी तक मेट्रो शुरू करनी थी। कई प्रस्ताव पास हुआ लेकिन बजट को लेकर हर बार मामला टल जाता था, मगर इस बार ग्रेनो प्राधिकरण ने डीपीआर को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि बोराकी इन्हें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाना है और यहां से मेट्रो अंतरराज्य बस अड्डा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं विकसित होनी है। नोएडा ग्रेनो की भी एक्का लाइन मेट्रो का आखिरी स्टेशन डिपो है। इस ट्रैक को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC बनाएगा। NMRC ने इसकी डीपीआर बनाई है। शुरुआत में 4 कोच वाली मेट्रो चलाई जाएगी, बाद में जरूरत के हिसाब से ही बढ़ाया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा में स्ट्रक्चर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। बिल्डर भूखंडों पर टाइम एक्सटेंशन के भार पर भी बोर्ड ने राहत दी है। इसमें जितना निर्माण हो चुका है उस पर अब टाइम एक्सटेंशन चार्ज नहीं लगेगा। इन दोनों निर्णय से ग्रेनो के करीब 2 लाख खरीदारों को लाभ मिलेगा। नोएडा में भी नियम के मुताबिक बिल्डर भूखंडों को समय विस्तार दिया जाएगा। बिल्डर FAR में भी मनमानी नहीं कर पाएंगे और उसके लिए भी फ्लोर एरिया रेशियो के लिए 2/3 खरीदारों से अनुमति लेनी होगी। डिपो से बोराकी तक मेट्रो विस्तार की DPR को मंजूरी दे दी गई है। वहीं नोएडा को 30 एकड़ भूमि ग्रेनो के अस्तौली में 99 साल के पट्टे पर दी गई है। यहां पर NTPC कोयला और बायोगैस बनाई जाएगी। कल ग्रेटर नोएडा बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें सभी वर्गों के लिए प्रयास किया गया है कि जो प्रकरण लंबित चल रहे थे उनमें ऐसे पॉलिसी डिसीशंस लिए जाएं जिससे आम लोगों को लाभ मिले। किसानों के लिए लगातार ये मांग चलती आ रही थी कि जो उनके ज़मीन के अगेंस्ट प्लॉट दिए जाते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है और उसको नोएडा की तर्ज पे कम किया जाए। उसमें बोर्ड ने अनुमोदन दे दिया है और जो पहले 12% तक जाती थी पेनल्टी वो अब अधिकतम 5%, जिसका अधिकतम डिले भी होगा तब भी अधिकतम उसको 5% लगेगी। तो एक बड़ी टाइम एक्सटेंशन की रियायत किसानों को दी गई है। उसके अतिरिक्त जो यहाँ के सामान्य आम जन नागरिक हैं उनके लिए भी कई स्कीम्स लाई गई हैं। ये शहर है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं और फ्लैट बायर्स में कई जगह ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ रजिस्ट्रीज देयताओं की वजह से रुकी हुई है। उसको और सुविधाजनक करने के लिए जो कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें बिल्डर्स रीशेड्यूलमेंट पॉलिसी में 4 किश्तों में पैसा जो है वो जमा करा सकते हैं, साथ ही जो उनके प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं उसमें प्राधिकरण की तरफ से समय वृद्धि शुल्क लगाया जाता है, उसकी दरों में कुछ कमी की गई है जिससे वो थोड़ा सा बेरेबल हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉस्ट भी बायर्स तक ही लेवी होता है। तो इन दोनों से मुझे लगता है कि जो फ्लैट्स की रुकी हुई रजिस्ट्रीज थी, यद्यपि रजिस्ट्रीज फ्लैट वाइज और टावर वाइज भी हम लोग परमिशन देते हैं, लेकिन इससे और 4 किश्तों में देने की सुविधा कर दी गई है। जो भी देता है वो देनी उतनी ही पड़ेंगी, लेकिन 4 किश्तों में सुविधा देने से उनको देने की आसानी रहेगी और जैसे जैसे पैसा देते जाएंगे वैसे वैसे रजिस्ट्रीज उनकी खुलती जाएंगी। तब ये है कि वो अनाधिकृत क्षेत्र है। स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी वर्तमान में जो लाई गई है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जो बिल्डर्स के या कमर्शियल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बायर्स रहते हैं और प्राधिकरण से जिनके नक्शे स्वीकृत हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ कई पॉलिसी जो भी शासन ने अभी डेटा सेंटर, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्री की, स्टार्टअप्स की, EVs की बहुत सारी नई पॉलिसीज बनाई थी उनको हम लोगों ने बोर्ड से अडॉप्ट कर लिया है। और डेटा सेंटर और वेयर हाउसिंग स्पेशली ग्रेटर नोएडा में बहुत मांग है, तो बोर्ड से अब एडॉप्शन हो गया है, रेट्स भी निर्धारित हो गए हैं, उसको हम स्कीम के माध्यम से पब्लिसाइज करेंगे। इसके अलावा कौन से यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 2 प्लांट्स लगाने की अनुमति बोर्ड से ली गई है और शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं उन पे हम लोग फसाद लाइटिंग मैंडेटरी कर रहे हैं। जो वहाँ के अलॉटीज हैं जिनका रोड साइड अलॉटमेंट है उन्हें मैंडेटरीली नोटिस देने के 4 महीने के अंदर फसाद लाइटिंग करनी होगी। एक और बड़ा डिसीशन जो हुआ है वो यहाँ पे जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी भविष्य में आना है वहां तक के लिए जो मेट्रो लाइन बननी है डिपो से लेकर बोराकी,
उसको भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है और अब वो शासन में भेजा जाएगा, जिससे भारत सरकार में जाएगा और फाइनली उसका अप्रूवल वहां से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।